हेलो पचालो, हाउ आर यू? सब मज़े में हो? सब मस्ती कर रहे हो ना? हाँ, तो हम हमारा सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, ए हास्टी एक्शन। तो हम कहाँ थे कि अब कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या हुआ था कल? एक हमने स्टोरी ऐसे स्टार्ट की थी कि एक पुअर मैन था जो अपने वाइफ के साथ टाउन से थोड़ा दूर रहता था। उनके कोई बच्चे नहीं थे, उन्होंने मंगूस नेवले को पाल के रखा था और वो नेवले से बहुत ही प्यार करते थे। एज अ बच्चा उन्होंने उसे ट्रीट किया था। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, उनका बेबी बोर्न हुआ और उनके बेबी को देखने के लिए कोई नहीं था और उनको पैसे कमाने के लिए बाहर भी जाना पड़ता था। उन्हें बाहर जाना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, एक दिन तो वो नेवले मंगूस के सहारे उसे छोड़ के चले जाते थे। बेबी खाट पे सो रहा था तो कॉर्नर से स्नेक निकला सांप। तो मंगूस ने उसे लड़ झड़ के उस सांप को काट दिया और मंगूस खून से भर गया। जब वो पुअर मैन और उसकी वाइफ घर पे आई, उन्होंने हमने उधर उधर तक ही देखा था ना कि वो हमेशा बाहर चले जाते थे और वो घर पे नहीं होते थे, इतना ही देखा था। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हार्ड वर्ड्स करते जाना, बिकॉज मैं आज जोर दूंगी, बढ़ना नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि माई स्टूडेंट्स हमेशा रेगुलर हो और बस काम अपना कंप्लीट रखें, ठीक है? हाँ चलो, अब हमारे इसमें बढ़ते हैं। आज मे बी मैं आई विल कंप्लीट द होल चैप्टर, कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है? इन देयर एब्सेंस द मैंगो सेव द बेबी फ्रॉम द स्नेक एंड प्रूव्ड हिट सेल्फ फेथफुल। उनके एब्सेंस में मंगूस ने है ना बेबी को बचा लिया और है ना खुद को फेथफुल मान लिया, ठीक है? फेथफुल मतलब क्या बोल सकते हैं हम, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, फेथफुल विश्वासी, मतलब जिसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं वो फेथफुल। द मंगूस सेट एट द गेट ऑफ द हाउस, और वो ऐसे ही हाउस के गेट के बाहर बैठ गया। आफ्टर सम टाइम द मदर ऑफ द बेबी रिटर्न फ्रॉम वर्क। थोड़े टाइम के बाद बेबी की जो माँ थी वो घर पे आई। शी सो द मंगूस सिटिंग एट द गेट, शी ऑल्सो सो द ब्लड स्टेन इट्स बॉडी। और उसने देखा कि मंगूस गेट के उधर बैठा हुआ है और इसने ये भी देखा कि मंगूस के बॉडी में पूरा ब्लड ब्लड है। शी थॉट दैट इट हैड किल्ड हर बेबी ड्रंक इट्स ब्लड। और उसने सोचा कि इसने है ना उसके बेबी को खा लिया और पूरा खून पी गया। शी लॉस्ट हर टेम्पर, शी एट वंस किल्ड इट विद अ स्टिक। और उसका मतलब उसका होश होश ही उड़ गया और होश चला गया, क्योंकि अपन अगर ऐसे देख ले किसी को, अगर किसी के ऊपर हमें बहुत ही विश्वास हो और वो खून से पूरा लोपतोप हो और अंदर अपना बेबी, और अपन क्या सोचेंगे अगर अंदर जाए बिना हम बाहर किसे खा लिया। तो उसने वो उसका मतलब या मतलब होश खो बैठी थी और उसने एक ही मार में मंगूस को मार लिया। शी हैज़ एंटर्ड द रूम एंड सो हर बेबी स्लीपिंग सेफली साउंड ऑन हिज बेड। और है ना बेबी, उसने जैसे रूम में एंटर किया तो देखा कि बेबी तो आराम से सो रहा है, ठीक है? अ ब्लीडिंग स्नेक वॉज लाइंग डेथ ऑन द फ्लोर बिसाइड। और है ना जिसके खून निकल रहे थे वो स्नेक है ना नीचे पड़ा हुआ था, खाट के पास में पड़ा हुआ था। नाउ शी अंडरस्टूड द होल इंसिडेंट एंड रिलीज इस मतलब है ना उसने रियलाइज्ड हर ब्लंडर एज वेल। और है ना उसने पूरा इंसिडेंट क्या हुआ उसे समझ में आया और है ना और उसे पता चला कि क्या हुआ था, ये सब समझ में आ गया। सो शी रिपेंटेड हर ट्रोली शी बट वॉट डू शी देन है ना। और ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो फिर है ना अब वो करते भी क्या, ठीक है? एस आफ्टर सम टाइम हर हस्बैंड ऑल्सो रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क। थोड़े टाइम के बाद उसके हस्बैंड भी वर्क से आए। ही सो द मंगूस लाइंग डेथ एट द गेट ऑफ द हाउस। इसने देखा कि मंगूस मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब उसकी वाइफ करती भी क्या है ना,
अब अगर हमने ऐसे किसी को देख लिया, हम भी मार ही देते, अब उसकी वाइफ करती क्या? तो उसने, उसके बाद समझ में आया उसे, फिर उसके थोड़ी देर के बाद उसके हस्बैंड आए, उसके हस्बैंड ने उसे देखा कि मंगूस मरे हुए, मरा हुआ गेट के पास पड़ा हुआ है। When he entered the baby's room, he saw snake lying dead near the baby's bed. और है ना, बेबी के बेड के पास में एक सांप भी मरा हुआ, ये भी उसने देख लिया। His wife was sitting there and wiping bitterly. और है ना, वो आंसू पोंछ रही थी और उधर बैठ के आंसू पोंछ रही थी। He had no understand what the matter was. और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इधर हुआ क्या है। क्यों? अब अपन भी कंफ्यूज होंगे ना, अगर अब अपन पहले देखा कि एक जना मरा हुआ है, फिर देखा कि सांप मरा हुआ है, फिर देखा कि है ना उसकी वाइफ रो रही है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो ही आस्क्ड हिज वाइफ टू टेल हिम व्हाट हैड हैपेंड। तो उसने उसकी वाइफ से पूछा कि उधर हुआ क्या। When his wife narrated the whole story and told him about her fully, and the poor man also repented very much. है ना, उसके foolishness के बारे में, उसकी पागलपन के बारे में उसने जब बताया उस poor man को, तो उस poor man को भी बहुत ही दुख हुआ, ठीक है, बहुत cried, दोनों ने बहुत रोए for the death of mongoose, mongoose के मरने के कारण बहुत ही रोए। They felt as if they had lost their own son. उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने है ना खुद के बेटे को मार दिया। But they had learned a lesson. उन्होंने एक lesson भी learn किया। Never do anything hasty without thinking over it. इस पूरी whole story का मतलब ये है कि हमें जल्दी जल्दबाजी में कोई भी एक्शन, कोई भी थॉट, कुछ भी बोलना करना, कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, 100 times सोच कर ही उसे करो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? नेवर डू एनीथिंग इन द हास्टी विदाउट थिंकिंग ओवर इट। उसके बारे में सोचे बिना कोई जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन मत लो। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब आई विल गिव यू द हार्ड वर्ड्स, ठीक है? वेट, थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूँ मैं इसे। हाँ, अब देखो, अब आप मेरे हार्ड वर्ड्स टिक कर देते हैं, इसको इरेज करके फिर मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड माय राइटिंग। आप सबको समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ाती जा रही हूँ और बच्चे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज सेड, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। मेरी मेहनत तो यही है। कल के पेज का हार्ड वर्ड्स तो आपने कर लिए होंगे। आज का फर्स्ट हार्ड वर्ड्स है फेथफुल। फर्स्ट फेथफुल, बुक्स खरीद लेना, अदरवाइज यू कांट अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, रिटर्न नहीं करना, फेथफुल करना। शी मोर टेम्पर सेकेंड, एंटर ब्लीडिंग थर्ड, साइड इंसिडेंट फोर्थ, लास्ट बर्ड फिफ्थ, डिपेंडर थर्ड सिक्स्थ, फुली सेवेंथ। 7 हार्ड वर्ड्स इसके अंदर हो गए। फिर है बिटरली वाइपिंग, मतलब 7th 8th 9th। उसके बाद कोई हार्ड वर्ड नहीं है। 9 हार्ड वर्ड्स दिए हैं मैंने, तो इसे कंप्लीट करना। हम थोड़ी छोटी क्लासेस रखेंगे, बिकॉज है ना मैं ज़्यादा देर आपको ये नहीं सजेस्ट करती कि आप फ़ोन में देखो, क्योंकि फ़ोन से आंखें ख़राब हो जाती है। तो आज के लिए हम इधर ही ओवर करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो बाय, टेक केयर, और होमवर्क कंप्लीट कर लेना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, प्लीज़
रिक्वेस्ट है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करना स्कूल में, और आपकी 1 वीक में एक बार जूम क्लासेस भी होगी, आप उधर भी मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। ओके बाय।